राम राम दोस्तों, महाकाल ऑर्गेनिक में आपका स्वागत है। आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसका नाम है डांसिंग गर्ल, इसे डांसिंग डॉल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फूल होता है जिसके फूल डांसिंग गर्ल्स की तरह खिलते हैं। इसको लगाने का तरीका, मिट्टी, कब समय होता है लगाने का, कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। डांसिंग गर्ल के पौधे कई रंगों के फूलों में उपलब्ध रहते हैं। ये पौधा ज़्यादातर आपको बड़ी नर्सरी में ही मिलेगा। यह पौधा ठंड में अच्छा चलता है। गर्मी में इस पौधे को बचाने के लिए इसे ऐसे जगह पर रखें जहां पर केवल एक दो घंटे की धूप आती हो, क्योंकि यह परमानेंट पौधा होता है तो ये पूरे साल चलता है। यह पौधा कम पानी चाहता है, इसलिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जो मिट्टी है उसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। आपको पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए जो मिट्टी होगी वो लेनी पड़ेगी 40%। इस तरीके से मिट्टी आपको लेनी है 40%। फिर आपको लेना है कंपोस्ट। कंपोस्ट आपका 40% हो जाएगा। कंपोस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो कंपोस्ट आपको लेना है वो बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए। जो कच्चा कंपोस्ट होता है वो मत लीजिएगा, उसमें आपका दीमक प्लस फंगस लगने की जो समस्या होती है ज़्यादा होती है, प्लस उसमें मेथिन की मात्रा अधिक होने की वजह से जो पौधे आप लगाते हैं वो मर जाते हैं। तो जो आपको कंपोस्ट लेना है बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल लगभग काला हो जाता है, ठीक है। तो आपको 40% ये ले लेना है, 40% गार्डन सॉइल ले लेनी है, प्लस 40% आपको राइस हस्क लेना है। लेकिन हमारे पास जो ये मिट्टी है ना, ये बिल्कुल मुलायम मिट्टी है, यानी कि इसमें पानी नहीं रुकता है, इसलिए मुझे राइस हस्क मिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके मिट्टी में पानी रुकता है तो आपको राइस हस्क है वो एक 10% जो राइस हस्क है मिला लेना है। अगर आपको राइस हस्क नहीं मिलता है तो जो रिवर सैंड होता है उसको मिला लेना है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें नीम खली अगर आपके पास अवेलेबल है तो नीम खली मिला लेंगे, और जो सरसों की खली होती है वो मिला लेंगे, प्लस आपके पास अदर कंपोस्ट जो अवेलेबल हों जैसे कि रॉक फॉस्फेट हो गया, और भी कई तरह के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक अगर अवेलेबल हों तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि जो टेरेस गार्डनिंग होती है उसमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बढ़िया रहते हैं, क्योंकि मिट्टी आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जो अब आपने जो मिट्टी बनाई है उसको आपको 8 से 10 इंच के गमले में भर लेना है, क्योंकि इस पौधे को लगाने के लिए आपको 8 से 10 इंच का जो गमला होता है वो सफिशिएंट रहेगा। इसे लगाने का जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। इस समय ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है, और इसकी फ्लावरिंग आपको 2-3 महीने के बाद जनवरी शुरुआत में या जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिलने लगती है। पहले भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, 2-4 फूल ही उस समय आएंगे, लेकिन जो 2-3 महीने के बाद होता है उस समय अच्छी फ्लावरिंग ये करेगा। अगर आपको इससे अच्छे फूल लेना है तो समय समय पर आपको इसमें फर्टिलाइज़र भी देना होगा। इस पौधे के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हर 10 दिन पर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 100 ग्राम सरसों खली लेनी है, आधा किलो कंपोस्ट लेना है, 50 ग्राम नीम खली लेनी है। सभी को 2 लीटर पानी में भिगो देना है। यह 2 दिन तक भीगता रहेगा। 2 दिन के बाद आपको इसे 3 से 4 गुना पानी में मिलाकर जो डांसिंग गर्ल्स के पौधे हैं या आपके कोई भी जो पौधे हैं गार्डनिंग के उनमें इसे दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 से 4 गुना पानी में बिना मिलाए इसे मत दीजिएगा, क्योंकि ये हार्ड होता है और आपको पेड़ों को जो पेड़ होंगे उनको जला सकता है। अब जो पौधा आपका होगा वो समय आने पर अच्छी फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।